मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेडिटिव की हाई चेयर, फीडिंग चेयर फॉर बेबीज। आज मैं इस वीडियो में आपको इसको कैसे असेंबल करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ये चेयर मैंने ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर की थी, ये आपको पार्ट्स में मिलेगी, इसको आपको असेंबल करना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपसे स्टेप मिस हो जाएगा और आप कुछ कुछ मिसप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इंस्टॉलेशन करते हैं इस बूस्टर चेयर का। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो मैनुअल है मैं अपने सामने रख देती हूँ, क्योंकि इसी के स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगी इंस्टॉल करने के लिए इसको। अब एज पर मैनुअल इसमें सबसे पहला जो स्टेप है आपको लेना है पार्ट ए। पार्ट ए इज सीट, ये जो सीट है ये पार्ट ए है। उसके बाद आपको लेना है पार्ट एफ। पार्ट एफ एफ है यानी कि अपर ब्रैकेट ट्यूब, ये है अपर ब्रैकेट ट्यूब। अब आपके पास ये दो टाइप्स के ट्यूब हैं, एक है अपर ब्रैकेट ट्यूब, एक है लोअर। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे, अब देखते इसमें जो है मैं आपको खोल के इसको दिखाती हूँ ओपन करके। जो अपर ब्रैकेट की जो ट्यूब है उसमें क्या है, ये देखिए ये मेटल की बटन है, ये आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद एक ऊपर होल है। अब मैं आपको सिमिलरली लोअर ब्रैकेट वाला भी दिखा देती हूँ ताकि आप समझ जाएं। लोअर ब्रैकेट में देखिए सिर्फ एक ये मेटल है और इसके नीचे होल नहीं है। ये देखिए अपर ब्रैकेट होल और ये है लोअर वाले में होल नहीं है। तो इसको हम लोग बाद में लगाएंगे लोअर वाले को, पहले ये अपर वाला लिया है। ये अपर ब्रैकेट ट्यूब आपने ली है, इसके इस वाले कि जहाँ पर ये सिर्फ एक मेटल बटन है, दूसरे एंड पे देखेंगे तो मेटल बटन और होल है। तो आपको करना क्या, जहाँ पर सिर्फ मेटल बटन है उसको आपको प्रेस करना है और ये जो सीट है सीट में जो एक सॉकेट दिया है वहाँ पर आप इंसर्ट करना है इस तरीके से। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे देखिए आवाज भी आएगी, मैं आपको उसको दिखाती हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ से एक ये मेटल जो बटन हमने प्रेस की थी वो सॉकेट से जैसे ही आप इसको अंदर डालेंगे ये अपनी जो इसकी पोजीशन है वहाँ पर पहुँच के ये मेटल बटन बाहर को आ जाएगी। इसका मतलब ये आपने सही तरीके से इसको इंसर्ट किया है। अब सिमिलरली आपको दूसरा लेग इधर सॉकेट में डालना है और देखिए यहाँ पर चार सॉकेट दिए हैं, 1, 2, 3, 4, एक मैंने डाल दिया है। इसी तरह अपर ब्रैकेट आपको चारों में फिक्स करने हैं। तो चलिए मैं फटाक से इसको फिक्स करती हूँ। ये देखिए ये चारों इस तरीके से आपको अटैच कर देने हैं। ये थे अपर ब्रैकेट, इन सबको अटैच कर दिया चारों को, सिंपल। आपको कुछ भी नहीं करना, ये आपको एक मिनट का भी काम नहीं है, बहुत इजी है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास ये लेग सपोर्ट कनेक्टर दिए गए हैं दो, इसको आपको लगाना है। लगाना कैसे, सिंपल स्टेप है। ये जो आपने अपर ब्रैकेट को कनेक्ट किया है इसमें नीचे साइड में मैंने आपको दिखाया था मेटल बटन है, उसको सिंपल प्रेस करना है। हाँ, एक और बात का ध्यान ये देना है कि आपको इसको ऐसे करके इंसर्ट करना है, यानी कि ये जो दो सॉकेट टाइप के दिए हैं ये नीचे की ओर रहेंगे। अब सिंपल आपको करना क्या है, इसकी जो मेटल बटन है मैं आपको दिखा देती हूँ, चारों तरफ मेटल बटन है, ये देखिए ये मेटल बटन है, इसको प्रेस करके लेग सपोर्ट कनेक्टर को आपको इंसर्ट करना है। मैं आपको एक करके भी दिखाती हूँ, इस उधर से भी मेटल बटन प्रेस करना है और इन दोनों को प्रेस करेंगे तो आपको एक साउंड आएगा। ये देखिए बस ये आपका कनेक्ट हो गया है। ये देखिए लेग कनेक्टर्स कितने सही तरीके से लग गए हैं। ये जो मैंने आपको बोला था ये जो मेटल की बटन है यही ये जो बाहर आ जाएगी, इसका मतलब है कि आपने जो लेग कनेक्टर्स लगाए हैं वो सही तरीके से लगाए हैं। आपको इधर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए ये लेग कनेक्टर आ गए हैं। अब ये फ्रंट में हमने लगा दिया, सिमिलरली हमें बैक में लगाना है। ये पीछे ये दोनों जो बटन है लेग कनेक्टर वहाँ पर लगाना है। तो मैं जल्दी से इसको लगा के फिर आपको पूरा दिखाती हूँ। कनेक्टर्स लगा दिया गया है और देखिए बटन आप देख सकते हैं दोनों साइड बाहर आ चुकी है। चारों लेग्स पे अगर आप देखेंगे तो चारों लेग्स पे बटन बाहर आ चुकी है, इसका मतलब लेग कनेक्टर सही तरीके से लगे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप है लोअर लेग्स को कनेक्ट करना। लोअर लेग्स आप वैसे ही कनेक्ट करेंगे जैसे कि आपने अपर लेग्स को कनेक्ट किया है। सिंपल आपको मेटल बटन को प्रेस करना है और आपको लेग कनेक्टर्स में इंसर्ट करना है। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे और सही पोजीशन आपके लेग्स को मिल जाएगी तो वो बटन जो मेटल की है वो बाहर साइड आ जाएगी। ये देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। पहले आपको मेटल बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जैसे ही वो सही से लग जाएगा ये देखिए बटन बाहर आ गई। आप दोनों बटन देख सकते हैं, दोनों बटन बाहर है। सिमिलरली आपको ये तीनों जो बचे हुए लेग्स हैं वो भी कनेक्ट करना है। तो जल्दी से मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखाती हूँ। Thank you.
ये देखिए मैंने चारों लेग्स लगा दिए हैं। अब चारों लेग्स लगाने के बाद आपके पास जो लेग्स के एंड में जो बेस है उसको लगाना है। इसको कैसे लगाना है, आपको चारों लेग्स के बेस में लेफ्ट राइट लिखाई बहुत डल तरीके से लिखा होगा तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप उसको देख के ही लगाएंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट लेग्स में और राइट वाले राइट में। और इनके नीचे व्हील्स लगाना है, आपको कुछ नहीं करना, सॉकेट दिया है उसमें व्हील्स इंसर्ट करके इसको प्रेस कर देना है। ये जस्ट इसलिए दिया है कि आप इजीली इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। ये देखिए चारों व्हील्स मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे जल्दी से। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये देखिए हमारी सीट लगभग रेडी है, अब बस इसमें हमें कुशन सीट लगानी है और फूड ट्रे लगाना है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसकी सीट लगाएंगे, सीट कवर लगाएंगे। सीट कवर में सिंपल आपको इसको प्लेस करना है सीट पे और आपको इसमें सॉकेट दिए गए हैं जहाँ पे इसको फंसाना है। अब ये देखिए सीट का मटेरियल बहुत अच्छा है, मैंने आपको क्लोज व्यू भी दिखाया है, इस पर एक मेरा वीडियो भी है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आपने ना देखा हो तो उसको प्लीज़ ज़रूर देखिए। अब देखिए सीट लग चुकी है, सीट लगने के बाद अब इसको मैं फिक्स करूँगी सीट बेल्ट से। सीट बेल्ट लगाने के लिए आपको इसमें प्रॉपर स्पेस दिया गया है, आपको दिखाती हूँ मैं, एरो इंडिकेट जो कर रहा है वहाँ पर आपको इसको सीट बेल्ट को फिक्स करना है। एक फीचर मेडिटिव की हाई चेयर को बहुत ही यूनिक बनाता है। आप जब भी कोई भी हाई चेयर परचेज करें अपने बेबी के लिए तो ये इंश्योर करें कि उसमें सेफ्टी के लिए सेफ्टी बेल्ट दी है कि नहीं, क्योंकि बेबीज बहुत मूव करते हैं और उनका गिरने का चांस होता है। सीट बेल्ट से बेबी को आप सिक्योर कर सकते हैं ताकि वो मूव ना करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपको फूड ट्रे लगाना है। फूड ट्रे लगाने के लिए आपको सिंपल फूड ट्रे के नीचे दो बटन्स दी गई हैं, उसको प्रेस करना है और आपको ये देखिए सॉकेट में इंसर्ट करना है। बहुत इजीली आप इसको इंसर्ट कर देंगे और ये आप देख सकते हैं इसमें चार लेवल्स दिए गए हैं। आप इसको अपने बेबी के पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। जब आपका बेबी बहुत आराम से खा रहा है तो आप इसको आगे कर दें और नहीं तो पीछे करें। और इसमें एक और ख़ास बात ये है कि इसमें दो फूड ट्रे हैं, अगर आप चाहें पहली वाली गंदी हो गई तो उसको निकाल के दूसरे पे आप सर्व कर सकते हैं और इजीली आप इसको गीले कपड़े से ड्राई क्लोथ से इसको क्लीन कर सकते हैं। वॉशेबल है इसका, इवन जो कुशन सीट है वो भी वॉशेबल है, आप इसको वॉश कर सकते हैं। लास्ट स्टेप है इसका स्टोरेज पैक जो दिया गया है, उसमें आप अपने बेबी के टॉयज रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, वो आपको लगाना है। सिंपल आपको सॉकेट दिए गए हैं उस पर इसको एडजस्ट कर देना है। और इस मेडिटिव हाई चेयर की एक और ख़ास बात है कि आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मल डाइनिंग चेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल आपको जो इसके लेग्स हैं लोअर लेग्स हैं उनको निकाल देना है और ये आपकी नॉर्मल डाइनिंग चेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें इसकी सीट के पीछे एक बटन भी दी गई है, ये देखिए इस बटन से आप इसकी पोजिशन चेंज कर सकते हैं, आप इसको रेक्लाइन कर सकते हैं अप टू 150 डिग्री, तो ताकि आपका बेबी सपोज टीवी देख रहा है तो इस पे आराम से बैठ के देख सकता है, क्योंकि इसको नॉर्मल चेयर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं आपको कैरी करना है तो इसके आप लोअर लेग्स निकाल के इसको फोल्ड कर दें। इसमें साइड में बटन भी दी गई है जिससे कि आप इस मेडिटेटिव चेयर को इजीली फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए सेफ्टी बेल्ट भी लगी है, तो मैंने इसको पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप असेंबल करके दिखाया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ये देखिए मेरा बेबी उछलते कूदते हुए आ गया, उसको मज़ा आ रहा है कि उसके लिए कुछ रेडी है। अब मैं आपको एक लास्ट स्टेप और बता देती हूँ, इसको फोल्ड कैसे करना है। सीट के नीचे एक बटन, दो बटन दी गई हैं दोनों साइड में, उसको पुल करना है आपको अपनी तरफ और उस फूड ट्रे को क्लोज कर देंगे। अब ये देखिए दोनों तरफ ये बड़ी सी बटन दी गई है, इन दोनों बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपकी जो मेडिटेटिव हाई चेयर है वो फोल्ड हो जाएगी। फोल्ड होने का फ़ायदा ये है ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, आप घर में किसी भी कोने में इसको रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल के पास रख सकते हैं और जैसे कि मैंने बताया आप इसके लोअर लेग्स निकाल के इसको एज अ नॉर्मल चेयर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरा बेबी कितने आराम से बैठा है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही बेबी प्रोडक्ट्स रिलेटेड वीडियोज़ रिव्यूज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी।